बिहार के सारण में जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर सख्ती बरत रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है, 100 से ऊपर जो है जहरीली शराब पीने से मौतें हो गई है। तो इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन छापेमारी कर रही है, तो दूसरी तरफ SIT की टीम जो है लगातार जांच कर रही है। बिहार शराब कांड का मामला जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा था। इसको देखते हुए सारण में हुई जहरीली शराब कांड का शुक्रवार को एक बड़ा खुलासा हो गया है। बता दें आपको कि केमिकल से बनी जहरीली शराब से ही 72 लोगों की जान गई थी, यह पुष्टि हो गई है। शराब कांड के मास्टरमाइंड राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर और उसके 4 सहयोगी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चारों सहयोगियों का नाम जो है इस कदर है, संजय महतो, शैलेश राय, सोनू गिरी व अर्जुन महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ही गिरफ्तार कर चारों को जेल भेज दिया गया है। SP संतोष कुमार ने बताया है कि शराब कांड के बाद SIT ने मास्टरमाइंड राजेश के सहयोगी संजय महतो को गिरफ्तार किया है और उसी की निशानदेही पर पूरे जिले में शराब सप्लाई करवाने वाले इस नेटवर्क का खुलासा किया गया है। तो वहीं राजेश व उसके सहयोगी शैलेंद्र राय पहले भी जिले में स्प्रिट की सप्लाई के मामले में जेल जा चुके हैं। एक बार फिर से जो है एक बड़ा जो सिंडिकेट है वो चलाया जा रहा था और वहीं पुलिस ने पकड़ लिया है तमाम सप्लायरों को। तो वहीं पुलिस ने बताया है कि राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर के नेटवर्क के माध्यम से जो है विगत 2-3 सालों से जो है शराब बनाकर छोटे वेंडरों को दिया जाता था, जिसके बाद इन्हीं की शराब की खेप से जो है जिले के इसुआपुर, मसुरख, तरैया, परसा, अमनौर व मढ़ौड़ा में जो है लोगों की मौतें हुई है। तो वहीं सिवान के भगवानपुर में भी 5 लोगों की जान चली गई है। वहीं शराब कांड का मास्टरमाइंड राजेश सिंह जो है जिले के जलालपुर प्रखंड के नून नगर का ही रहने वाला है। तो वहीं बता दें आपको कि जांच में खुलासा हुआ है कि राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर होम्योपैथिक दवा से जो है शराब बनाता था और वहीं उसने होम्योपैथिक दवा में केमिकल मिलाकर पूरे जिले में शराब की सप्लाई करने का नेटवर्क खड़ा कर दिया था। 13 दिसंबर की रात उसी की सप्लाई की गई थी। तो वहीं शराब को पीने के बाद जो है इसुआपुर व मसरक में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद SP ने बताया है कि राजेश उत्तर प्रदेश से गलत तरीके से जो है होम्योपैथिक दवाओं की खेप मंगाता था और वहीं अपने नेटवर्क के माध्यम से उसे पूरे जिले में सप्लाई करता था। 14 दिसंबर को मास्टरमाइंड राजेश का साथ ही संजय महतो जो है केमिकल से बनी जहरीली शराब पीने से बीमार हो गया, जिसके बाद उसके ठीक होने के बाद जो है पुलिस को पता चला कि वह शराब का सप्लायर है। इसके बाद जो है पुलिस ने इसे इसुआपुर के डोईला गांव में जो है स्थित जो है उसके घर पर गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं बता दें आपको कि पूछताछ में जो है संजय ने राजेश उर्फ डॉक्टर की ओर शराब बनाने की सामग्री दिए जाने की बात स्वीकार की। वहीं इसके बाद मामले का पूरा खुलासा हुआ, उसके बाद जो है पुलिस लगातार छापेमारी की और जिसके बाद तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं सारण कांड में जो है शराब के निर्माण में दूसरे केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। तो वहीं देखा जाए तो विसरा कि जांच की जा रही है, तो वहीं जांच रिपोर्ट आने पर पूरी बात साफ होगी। तो वहीं पुलिस से जो है लगातार कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि जिस तरीके से इसकी पड़ताल जो है वो जारी है। तो वहीं बता दें आपको कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं मेन मास्टरमाइंड जो है लगातार फरार चल रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।